नमस्कार, मैं हूं दिलजीत कौर। गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। मंडलायुक्त अनिल कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई ग्राम स्वराज अभियान की समीक्षा बैठक। 5 मई तक लक्ष्य पूरा करने के दिए निर्देश। जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट 1 माह में चालू करने का दिया निर्देश। पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी PN राय का हुआ स्थानांतरण। दी गई भावभीनी विदाई। सफाई कर्मी की रिहाई की मांग को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने किया प्रदर्शन। रिहाई नहीं होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महानगर की समीक्षा बैठक हुई सम्पन्न। सदस्यों को जोड़ने पर की गयी चर्चा। कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे जिले के संस्थाओं को 2 केंद्रों पर शुरू हुई मदरसा मिनी ITI लिखित परीक्षा। श्रमिक दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष रेलवे GM की धर्मपत्नी अलका अग्रवाल ने 60 रेल कर्मियों को किया पुरस्कृत। ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए वाहनों पर लगाएगा स्टीकर। स्कूली छात्रों को बढ़ते साइबर अपराध के परिणामों के प्रति साइबर एक्सपर्ट ने किया जागरूक। और शबे बरात के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रात भर खुदा से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी और खुदा से दुआ की कि सबका कल्याण हो और सभी अल्लाह के बताए नेक रास्ते पर चले। और अब खबरें विस्तार से। ग्राम स्वराज अभियान की समीक्षा मंडलायुक्त अनिल कुमार की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त अनिल कुमार ने कहा कि हर हाल में 5 मई तक लक्ष्य को पूरा करें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि यह योजना शासन की प्राथमिकताओं में से है, इनमें किसी प्रकार की लापरवाही को शासन द्वारा क्षम्य नहीं किया जाएगा। मंडलायुक्त ने उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मिशन इंद्रधनुष स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ पेयजल, राशन कार्ड, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु निःशुल्क बोरिंग योजना, प्रधानमंत्री फसल योजना एवं अनुसूचित जाति जनजाति हेतु शादी अनुदान योजना की समीक्षा की। बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त मदन वर्मा, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, PO डूडा तेज प्रताप सिंह सहित विभिन्न विभागों के मंडलीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट 1 माह में चालू करने के लिए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने निर्देश दिया है। विकास भवन सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में उन्होंने समीक्षा किया। CMS डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने बताया कि 10 बेड के यूनिट के लिए स्थान दे दिया गया है। 10 दिनों में इसका सिविल वर्क पूरा हो जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सिविल वर्क समाप्त होते ही शासन को सूचित करें। सेवा प्रदाता हेरिटेज हॉस्पिटल प्रा लिमिटेड वाराणसी सिविल वर्क पूरा होते ही इसमें मशीन लगाने का काम करेगी और लगभग 20 दिन में पूरा कर लेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि इसे 1 माह में पूरा कराकर डायलिसिस यूनिट शुरू करना है। दस्तक अभियान की समीक्षा कर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जिस गांव में JEAES का केस आता है उस गांव के ANM आशा की भूमिका की जांच की जाए। यदि किसी झोला छाप डॉक्टर की वजह से केस अस्पताल तक आने में विलंब पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा में उन्होंने पाया कि विगत 4 माह में कुल 31 केस AES के आए हैं। प्रसव के दौरान मृत्यु का ऑडिट सख्ती से करने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है। कुल 233 मृत्यु हुई है, जिसमें
में 201 की ऑडिट हो गई है। इसमें 56 हेमरेज, 38 इन्फेक्शन, 46 प्रसव में विलंब तथा 20 हाइपरटेंशन से हुई है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रसव के दौरान 9 माह तक गर्भवती स्त्री ANM एवं आशा के देखभाल में रहती है। इन सब कारणों से मृत्यु नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि संस्थागत प्रसव कराना ANM आशा की जिम्मेदारी है। जो ANM आशा कार्य नहीं कर रही है उन्हें हटाकर नई भर्ती करें। प्राइवेट नर्सिंग होम में प्रसव की सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था बनाएं। बैठक में निर्माण कार्य, PCPNDT एक्ट कायाकल्प, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ब्लड बैंक की स्थिति, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, पोषण पुनर्वास केंद्र आदि की समीक्षा की गई। बैठक में CMO के अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार तथा सभी मुख्य चिकित्साधिकारी व प्रभारी चिकित्साधिकारी उपस्थित रहे। PN राय, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर पश्चिम रेलवे मुंबई के पद पर स्थानांतरित होने पर महाप्रबंधक सभाकक्ष में महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने राय को स्मृति चिन्ह प्रदान कर भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक SL वर्मा तथा प्रमुख विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भी राय को उनके स्थानांतरण पर शुभकामनाओं के साथ विदाई दी। इस अवसर पर महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने कहा कि वरिष्ठ उप महाप्रबंधक के रूप में PN राय ने कई सिस्टम इम्प्रूवमेंट किया तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में उन्होंने बहुत सारे सतर्कता जागरूकता के कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं, आपकी कार्यकुशलता अच्छी रही है, आप बहुत अनुभवी हैं, पश्चिम रेलवे में आप सफलतापूर्वक कार्य करेंगे। महाप्रबंधक ने PN राय के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वरिष्ठ उप महाप्रबंधक PN राय ने अपने विदाई समारोह में कहा कि सभी की शुभकामनाएं एवं प्रशंसा हमें और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी को पारदर्शिता के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया। सफाई कर्मचारी और ADO पंचायत के बीच मारपीट में गिरफ्तार सफाई कर्मचारी की रिहाई की मांग को लेकर पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मियों ने विकास भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और आरोपी सफाई कर्मी की रिहाई की मांग की, जिसका नेतृत्व संघ के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर ने किया। धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना था कि सफाई कर्मी निर्दोष है, उसे तत्काल रिहा किया जाए तथा मामले की पूरी जांच कराई जाए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह ने बताया। प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी, यहाँ पर उरवा के सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री कृष्णचंद शर्मा जी द्वारा एक ग्रामीण सफाई कर्मचारी आदित्य सिंह को गलत ढंग से फंसाकर 307 पुलिस प्रशासन पर दबाव बना करके 307 पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, उसको जेल भेज दिया गया। सिर्फ हमें यह कहना है प्रशासन से, जो कि संविधान में अधिकार भी है, किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले आप आरोप सिद्ध करने के बाद जेल डालिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह पूरी टीम के साथ ये कहा, अगर जाँच सिद्ध हो जाती तो उसको जेल नहीं आप फांसी डाल दो। लेकिन हम कह रहे हैं, हम यहाँ के SP साहब, SSP साहब और DM साहब से कह रहे हैं कि मुझको DPRO साहब ने फला ADO पंचायत ने मारा है तो क्या उनके ऊपर 307 लगा दिया जाएगा? अगर उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया सही ढंग से की जाए, ऐसे नहीं होता। एक कर्मचारी नीमावली में ऐसे नहीं आता। हम गारंटी लेते हैं, हम अपने पैड पर लिख कर देते हैं कि पूछताछ के लिए, जाँच के लिए उसको जब भी बुलाया जाएगा आदित्य सिंह आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जब तक आदित्य सिंह के ऊपर कोई दोष न सिद्ध हो जाता है तब से उसके ऊपर से धारा हटा करके जेल से उसको छोड़ा जाए। अगर नहीं छोड़ा जाता तभी यह पूरा रैला SSP ऑफिस, DM ऑफिस, अभी हम भी कपड़ा उतारना जानते हैं, अभी हम भी अपना कपड़ा फाड़ करके बता दें कि हमको DM ने मारा, हमको CDO ने मारा।
तो क्या मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा? हमें चलवा ले, हम सुनियोजित ढंग से अपने तीन लोगों को बुला करके अपना कुर्ता फड़वा ले, हम कुर्ता फड़वा ले, सर फड़वा ले, तो हमारे पता नहीं है, हमको नाटकीय ढंग से करवा लो तो 307 का मुकदमा लगा दिया जाएगा। किसी की साथ जिंदगी को बर्बाद करने का हक नहीं है। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। मंडलायुक्त अनिल कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई ग्राम स्वराज अभियान की समीक्षा बैठक, 5 मई तक लक्ष्य पूरा करने के दिए निर्देश। जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट 1 माह में चालू करने का दिया निर्देश। पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी PN राय का हुआ स्थानांतरण, दी गई भावभीनी विदाई। सफाई कर्मी की रिहाई की मांग को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने किया प्रदर्शन, रिहाई नहीं होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महानगर की समीक्षा बैठक हुई संपन्न, सदस्यों को जोड़ने पर की गई चर्चा। कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे जिले के संस्थाओं को 2 केंद्रों पर शुरू हुई मदरसा मिनी ITI लिखित परीक्षा। श्रमिक दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष रेलवे GM की धर्मपत्नी अलका अग्रवाल ने 60 रेल कर्मियों को किया पुरस्कृत। ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए वाहनों पर लगाएगा स्टिकर। स्कूली छात्रों को बढ़ते साइबर अपराध के परिणामों के प्रति साइबर एक्सपर्ट ने किया जागरूक। और शबे बरात के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रात भर खुदा से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी और खुदा से दुआ की कि सबका कल्याण हो और सभी अल्लाह के बताए नेक रास्ते पर चले। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज की तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशप्रा के शोरूम पे जाइए और जितने ग्राम के सोने के आभूषण आप खरीदेंगे उतने ही ग्राम के चांदी के आभूषण मुफ्त पाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों के अगले क्रम में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समीक्षा बैठक आयोजन परिषद के रीढ़ साहब के धर्मशाला स्थित पार्टी के कार्यालय में संपन्न हुआ। बैठक में मुख्य रूप से प्रांतीय मंत्री भूपेंद्र सिंह, महामंत्री नवनीत शर्मा, प्रांतीय कोषाध्यक्ष दीपक कुमार और प्रोफेसर विनय कुमार सिंह उपस्थित रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य महानगर की समीक्षा योजना पर चर्चा करना था। बैठक को संबोधित करते हुए प्रांतीय महामंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में सदस्यों को जोड़े जिससे कि उनका संगठन और मजबूत हो सके। इस संबंध में उपस्थित युवा नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 15 टोली उपलब्ध है, ठीक रहे, ठीक है। एक टोली 2000 सदस्य बनाने का लक्ष्य ले और टोली में कम से कम 5 कार्यकर्ता हो, जिसमें दो ऐसे भी होने चाहिए जो संगठन का विषय रख सके, अच्छे वक्ता हो, तभी हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जब हम व्यापक स्तर पर संस्था करेंगे तभी हम अपने संगठन का विस्तार कर सकते हैं। अभी जो हम सब ने अपने अपने सुझाव दिए हैं तैयारी के विषय में, तो पहले क्या करना है, हमें अच्छे से हम इस विद्यार्थी परिषद के बारे में प्रचार प्रसार करते हुए सदस्यता का लक्ष्य ले सकते हैं। ये सब करने के बाद अपने महानगर में कुल कितने इंटर कॉलेज हैं, कुल कितने डिग्री कॉलेज हैं, कुल कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कितने यूनिवर्सिटी हैं,
एक सबका आंकड़ा तैयार करेगा। ठीक। बुधवार से मदरसा मिनी आईटीआई लिखित परीक्षा जिले के दो केंद्रों पर दो पालियों में शुरू हुई, जिसमें मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज में मिनी आईटीआई मदरसा अंजुमन खुनीपुर, मदरसा जामिया राजवी मिराजुल उलूम चिल्मापुर, दाउल उलूम हुसैनिया इमामबाड़ा दीवान बाजार और नूरिया खेरिया बगही भारी पीपीगंज में कुल पंजीकृत 134 परीक्षार्थियों में से 117 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 17 अनुपस्थित रहे। पूरे जिले के संस्थाओं की परीक्षाओं के लिए दो केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर शुरू हुई मिनी आईटीआई उत्तर प्रदेश परीक्षा गुरुवार को समाप्त होगी। परीक्षा विद्यालय के व्यवस्थापकों द्वारा कड़ी निगरानी में सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज के केंद्र व्यवस्थापक जफर अहमद खान और परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों ने कहा, क्या नाम है आपका? फजलुर रहमान। मतलब कौन सा एग्जाम था आज यहाँ पे? सामाजिक अध्ययन का मिनी आईटीआई। कैसा रहा? अच्छा गया। क्या लग रहा है? निकल जाएगा इंशाल्लाह। बताइए आप क्या नाम? तौफीक अहमद। कैसा था पेपर? मिनी आईटीआई में दाखिला लेने से सामाजिक अध्ययन का पेपर था। मैं कल यूनियन परीक्षा हुई। ठीक रहा? इंतजाम ठीक थे? इंतजाम वगैरह कुछ नहीं। मतलब हम लोग अपने तरफ से मेहनत से निकला है। मतलब ये मदरसा बोर्ड अरबी फारसी बोर्ड जो है वो यूपी का, उससे उसके द्वारा संचालित की जाने वाली ये परीक्षा है जो मिनी आईटीआई के नाम से जानी जाती है। मिनी आईटीआई में डिफरेंट ट्रेड्स हैं, उन ट्रेड्स की परीक्षा चल रही है और आज ये शुरू हुई है और कल समाप्त हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था सर है यहाँ पर? सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त जो है वो सुबह में थे लोग सुरक्षा कर्मी, इस समय जो है वो विद्यालय जो है वो स्वयं करा रहा और अपने पूरे सचल दस्ते को उसने तैनात कर रखा है ताकि नकल विहीन परीक्षा कराई जा सके। सम्मानित श्रमिक दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष अलका अग्रवाल ने 1 मई को रेलवे अधिकारी क्लब गोरखपुर में आयोजित एक समारोह में मुख्यालय के 21, वाराणसी मंडल के 17, लखनऊ मंडल के 15 तथा इज्जत नगर मंडल के 7 कुल 60 रेल कर्मियों को प्रशिक्षित पत्र एवं नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर संगठन सचिव श्रीमती सुजाता सिंह, कोषाध्यक्ष श्रीमती संगीता अग्रवाल, संयुक्त सचिव श्रीमती पूजा खरे सहित कार्यकारिणी की सभी सदस्याएं उपस्थित थीं। पुरस्कृत होने वाले रेल कर्मियों को बधाई देते हुए श्रीमती अलका अग्रवाल ने कहा कि आप सभी के समेकित प्रयास एवं कठिन परिश्रम के बदौलत भारतीय रेल का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। समारोह का संचालन संगठन की कोषाध्यक्ष श्रीमती संगीता अग्रवाल ने किया। यातायात जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को छात्र संघ चौराहा के समीप 4-पहिया एवं 2-पहिया वाहनों पर विभाग द्वारा जागरूकता स्टिकर लगाया गया, जिससे लोग स्टिकर पर अंकित ट्रैफिक नियमों को पढ़ें और जागरूक हो। जागरूकता अभियान के तहत बिना हेलमेट के चल रहे वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया गया तथा उन्हें बताया गया कि थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया, माँ बाप को मातम पे मनाते हुए जाओगे जैसे कुशीनगर में हो गया है, उस तरीके से जाना चाहते हो? जो कुछ ऐसे काम करते हो फोन करवाओगे, सिफारिश करवाओगे, हेलमेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भैया इनकी फोटो खींच में देख रहे हैं, महान हस्तियाँ हैं, ये जान देने को तैयार है। इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, खड़े हो। हेलमेट का कोई भले ही इंतजाम कर दे जो है,
लेकिन हेलमेट ज़्यादा है, कम से कम उसको पकड़ लिया ज़्यादा नहीं रुका जाता है। हम लोग नियमित रूप से हमारा अभियान चलता है, जनता में यातायात के नियमों के विषय में जागरूकता और सड़क सुरक्षा के विषय जागरूकता के लिए हम लोग नियमित इस अभियान को चला रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक सुरक्षा की भावना का विकास हो और यातायात के नियमों का पालन करें। आज स्टिकर लगा रहे हैं क्या उसका? जी, हम लोग स्टिकर्स भी लगा रहे हैं कि लोग उनको पढ़ें और उनको नियमों का पालन करें, जैसे हेलमेट है कोई चीज़ है उसको जो है सही से लगा रहे हैं। देश में बढ़ते साइबर क्राइम के परिणामों के प्रति कार्मल स्कूल के छात्रों को जागरूक किया गया, जिसमें साइबर एक्सपर्ट रचित टंडन ने छात्राओं की साइबर क्राइम से होने वाली आपराधिक घटनाओं की जानकारी दी। टंडन ने बताया कि सोशल मीडिया और इंटरनेट से साइबर क्राइम में इजाफा हुआ है। फेसबुक आईडी हैक कर तथा एटीएम के कोड को बदल कर लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं, जिसको लेकर सरकार काफी गंभीर है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस के साथ आमजन को भी सतर्क रहना होगा, जिससे इस अपराध पर रोक लगाई जा सके। इस मौके पर एसपी क्राइम आलोक वर्मा, महिला थाना प्रभारी शालिनी सिंह सहित मीडिया सेल, क्राइम ब्रांच, साइबर सेल से जुड़े अधिकारी तथा स्कूल की शिक्षिका और छात्राएं मौजूद रहे। और दूसरी कंप्लेंट, किसी ने मेरी फोटो पर बात कर दी, कोई मुझे गंदे गंदे शब्द लिख रहा है, कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, यस और नो? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम इन माय कंट्री, वन इज बैंक फ्रॉड एंड एटीएम फ्रॉड एंड द अदर वन इज सोशल मीडिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, क्योंकि सब लड़कियां बैठी हो, सुनो, तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिली है। चंदा गोचर, नाम सुना है? Yes, क्या है ये?
आईसीआईसीआई बैंक की मालिक जिसके नीचे 50,000 आदमी काम करते हैं। कौन आदमी? मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, बोलो कौन है आदमी? एसबीआई की मालिकिन कौन है? महिला। पूरी बात सुनो, पूरी घटना मेरे को फोटो खराब करके डरा गया है तो मैं डरूंगी? वेरी गुड। तो बच्चों, हमें टेक्नोलॉजी से अपने आप को एम्पावर करना है, करना तो कैसे करेंगे एम्पावर? पहले तो ये समझेंगे कि जो अपराध हो रहे हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और 70% क्राइम यंग लोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये देखो मेरे बच्चों, 2015 में मेरी पुलिस ने 5,000 लोगों को गिरफ्तार किया, 3,188 कॉलेज के छात्र थे और 98 स्कूल के छात्र थे। कितने? 98। बच्चों, मेरे को 18 साल हो गए साइबर क्राइम करते हुए। कितने? 18 साल में मैंने करोड़ों केस सॉल्व किए, आज तक मैंने 7 साल का भुट्टा नहीं पकड़ा क्राइम करते हुए। बेचारे भुट्टे को डब्ल्यू नहीं आता। साइबर सेल हजरतगंज, शिकायत आई कि 22 बैंक खाते हैक हो गए। कितने? 22। पाली के छात्र को पकड़ा। कौन से छात्र को? पाली। अखबार की कटिंग दिखाई दे रही है? यस सर। इज इट गुड? नो सर। छोटे छोटे बच्चे आजकल यूट्यूब से क्या सीख लेते हैं? हैकिंग। कितने ही बच्चे हैं बैठे जिन्हें हैकिंग आती है? जल्दी बताओ, हाथ उठाओ। झूठी बोलना धरना नहीं। वेरी गुड। एक बच्चे ने हाथ उठाया, थैंक यू। खड़े हो जाओ। क्या कैसे अरे बच्चों, 11वीं कक्षा के लड़के को पुलिस पकड़ के ले गई। क्यों? उसने अपनी क्लासमेट लड़की का फेक अकाउंट बना के उस पे गंदा गंदा लिख दिया। क्यों? लड़ाई हो गई थी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रेकअप। क्या कहते हैं? फिर फोड़ो दिन दिमाग का अपना, 3 बार ब्रेकअप करेंगे। बच्चों, हैकिंग इज अ हैकिंग इज अ 15 साल की बच्ची है मेरी, उसको ये लगता है कि उसे कोई प्यार। अच्छा, ये फीलिंग हम में से कितने लोगों को दिन में 10 बार आती है? प्लग में उंगली डाल, छोटे वाले प्लग में, कोई प्यार नहीं करता ना भाई मेरा। पागल कहीं पे कैसे? चलो ओए कुछ टीचर्स, मेंटल सिटी को समझना। अभी इन बच्चों ने आपके सामने हाथ उठा दिया, मतलब मुझसे बढ़िया पुलिस वालों को यही। सारे मुजरिम अपने आप ही कन्फेस कर लेते। अच्छा सुनो, मेरा बच्चा सोचता है कि मुझे कोई प्यार। अच्छा, ये कहानी कब शुरू होती है? गांडू दे रहा हूँ। मैं सुबह स्कूल आई, मम्मी घर पे थी, पहला मम्मी को पता चला तुम्हारी मेड नहीं आई। क्या नहीं आई? तो मम्मी का टेम्परेचर कहाँ पहुंच गया? 50 डिग्री। मम्मी खाना बना रही थी, 3 बार घंटी बजी, खाना जल गया। मम्मी का टेम्परेचर 80 डिग्री। उसके बाद नहाने गई, गीजर फट गया। मम्मी का टेम्परेचर 95। स्कूल की छुट्टी हुई, बच्ची घर आई, मामा मामा खाने में क्या बनाया? नहीं खाऊंगी। मम्मी का टेम्परेचर पूरी कहानी सुनो। बच्ची ने गाल पे हाथ रखा, कमरे में आई, मम्मी मुझे प्यार नहीं करती। पिताजी सुबह काम पे गए, ट्रैफिक जैम में फंस गए, लेट पहुंचे, बॉस ने डांट दिया। बॉस ने पिताजी का टेम्परेचर 50। वहां से लौट रहे थे, किसी ने गाड़ी की हेडलाइट तोड़ दी, ठोकी। घर आए, दरवाजा खोला, बिटिया ने पैर पकड़ के, मुझे फोन चाहिए। पापा का टेम्परेचर धूम धड़ा। बच्ची कमरे में आई, मुंह पे हाथ, पापा भी मुझे प्यार नहीं करते।
हिंदुस्तान सहित पूरे महानगर में भी शबे बरात की रात मुस्लिम समुदाय द्वारा अपने गुनाहों का प्रायश्चित पूरी रात खुदा को याद करके किया गया। इसी क्रम में लोगों ने अपने और अपने परिवार सहित पूरे समाज और राष्ट्र के लिए अपने खुदा से दुआ मांगी, सबका कल्याण हो और सभी अल्लाह के बताए नेक रास्ते पर चले। इसी के मद्देनजर शहर के अलग अलग जगहों पर शबे बरात के अवसर पर मुस्लिमों ने अपने खुदा को याद करते हुए सजदा किया। इस मौके पर खुदा के बंदों ने अपने द्वारा किए गए पूर्व में सभी गुनाहों के लिए अल्लाह ताला से माफी मांगी और आगे भविष्य में कोई भी गुनाह ना करने की कसमें भी खाई। लोगों ने रात भर जग कर इस संबंध में अपने किए गए अपराधों के लिए ऊपर वाले से माफी मांगी। इसी क्रम में लोगों ने अपने और अपने परिवार सहित पूरे समाज और राष्ट्र के लिए अपने खुदा से दुआएं मांगी। और आपका त्यौहार जो है उसमें सारी रात इबादत की जाती है। उसमें खुदाबंदी है कि शब बरात की शब में अल्लाह ताला पहले आसमान पे आता और सारे बंदों की बातों को गौर फरमाता है, गुनाहें माफ़ होती हैं, मफ़रत होती है और तमाम मुसलमान अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। इसका यही महत्व है कि शब बरात में आदमी सारी रात इबादत करके फजर की नमाज़ पढ़ करके अपना रात। आज के लिए इतना ही, चलते चलते डालते एक नज़र आज की हेडलाइन पर। मंडलायुक्त अनिल कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई ग्राम स्वराज अभियान की समीक्षा बैठक, 5 मई तक लक्ष्य पूरा करने के दिए निर्देश। जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट 1 माह में चालू करने का दिया निर्देश। पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी पीएन राय का हुआ स्थानांतरण, दी गई भावभीनी विदाई। सफाई कर्मी की रिहाई की मांग को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने किया प्रदर्शन, रिहाई नहीं होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महानगर की समीक्षा बैठक हुई संपन्न, सदस्यों को जोड़ने पर की गई चर्चा। कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे जिले के संस्थाओं को 2 केंद्रों पर शुरू हुई मदरसा मिनी आईटीआई लिखित परीक्षा। श्रमिक दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष रेलवे जीएम की धर्मपत्नी अलका अग्रवाल ने 60 रेल कर्मियों को किया पुरस्कृत। ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए वाहनों पर लगाएगा स्टिकर। स्कूली छात्रों को बढ़ते साइबर अपराध के परिणामों के प्रति साइबर एक्सपर्ट ने किया जागरूक। और शबे बरात के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रात भर खुदा से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगी और खुदा से दुआ की कि सबका कल्याण हो और सभी अल्लाह के बताए नेक रास्ते पर चले। अगले क्रम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।